इसराइल और ईरान के बीच अब ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकती है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अपना ऐसा हथियार उतार दिया है जो जंग के सारे समीकरण बदल सकता है। वो क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। युद्ध में उतरा बाबर, ईरान ने पलटी बाजी। अरब और मिडल ईस्ट में चल रही जंग में अब वाकई ईरान बाजी पलटने जा रहा है। शायद यही वजह है कि अचानक जंगी माहौल के बीच अमेरिका और इजराइल ईरान के नए घातक हथियार से कांपने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई ईरान ने युद्ध के मैदान में गेम चेंजर उतार दिया है। F-35 का काल बना ईरान का बावर 373। ईरान को कमजोर समझने वाला अमेरिका इस बात से हैरान है कि ईरान ने एक ऐसा नया एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 बना लिया है जो अमेरिका के सबसे घातक पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को हवा में ही उड़ा सकता है। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि ईरान के बंकरों में छिपा एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 में इतनी घातक मारक क्षमता कैसे आ गई। हम आपको ईरान की सैन्य ताकत का अब जंग में क्या असर पड़ेगा इसकी पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए ईरान का बावर 373 सिस्टम को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। ईरान का बावर 373 सिस्टम बहुत ही उच्च तकनीक का एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पता लगा लेगा। बावर 373 अचूक निशाने से पलक झपकते हुए F-35 को तबाह कर देगा। ईरान ने इसराइल के साथ तनाव के बीच पहली बार अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 को दुनिया के सामने पेश किया है। अमेरिका के कई विशेषज्ञ ईरानी दावों पर यकीन करने लगे हैं। ईरान का बावर 373 रूस के S-400 और अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका और इसराइल के पास मौजूद पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के लिए ईरान का बावर 373 काल बन चुका है। ईरान के बावर 373 डिफेंस सिस्टम को ईरानी सेना दिवस के मौके पर परेड के दौरान सार्वजनिक किया गया। बावर 373 एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। अब सवाल उठता है कि ईरान को इस सिस्टम से जंग में क्या फायदा मिलेगा और इसकी और क्या खासियतें हैं। शॉर्ट टारगेट पर हमला, कांपे अमेरिका इजराइल। ईरान का बावर 373 डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अमेरिका और इसराइल के पास मौजूद F-35 को बावर 373 तबाह कर डालेगा, इसका दावा ईरान कर रहा है। बावर 373 डिफेंस सिस्टम एक साथ 100 टारगेट को तबाह कर सकता है। फिर चाहे एक साथ 100 F-35 हमला क्यों न करे, यह सभी F-35 को मार सकता है। ऐसे में अगर ईरान और इसराइल में युद्ध होता है तो F-35 और बावर 373 में एक रोचक रस्साकस्सी देखने को मिल सकती है। ईरान की जबरदस्त मिसाइल ताकत ने इसराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अरब और मिडल ईस्ट में जंग खत्म होने की बजाय तेज होती जा रही है। सीधी जंग में ईरान, इसराइल, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन और अजरबैजान शामिल हो चुके हैं। वहीं पर्दे के पीछे और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।